किसी भी व्यक्ति के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए शादी करने का रिवाज कई सदियों से चला आ रहा है। आप किसी भी देश के हों, शादी हर जगह अपने लाइफ पार्टनर के साथ आधिकारिक रूप से जीवन बिताने के लिए अनिवार्य होती है। वैसे इन दिनों भारत में शादी का काफी सीजन चल रहा है, ऐसे में आपने तरह तरह की शादियाँ देखी होगी। भारत में होने वाली हर तरह की शादियों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, यहाँ तक कि विदेशों में होने वाली आम शादियों के बारे में भी टीवी पर देखा और सुना होगा। दुनिया भर में होने वाली इन शादियों में अलग अलग रस्में और रीति रिवाज होते हैं जिनका पालन दूल्हा दुल्हन जरूर करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें होने वाली एक रस्म के बारे में सुना आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। इस रस्म के अनुसार दूल्हा और दुल्हन को शादी के बाद 3 दिनों तक टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह शादी वाले दिन से लेकर अगले 3 दिनों तक दुल्हा दुल्हन की टॉयलेट जाने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। दरअसल ये अजीबोगरीब रिवाज इंडोनेशिया की चिडोंग समुदाय के लोग निभाते हैं। इस समुदाय के लोग इस रस्म को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस समुदाय में जब भी किसी लड़के और लड़की का विवाह होता है तो वो लोग भी इस रस्म का पालन बड़ी ईमानदारी से करते हैं। इस समुदाय के लोगों का कहना है कि शादी एक पवित्र समारोह होता है, ऐसे में जब दूल्हा दुल्हन शादी के बाद टॉयलेट जाते हैं तो इसकी पवित्रता भंग हो जाती है। साथ ही यदि कोई ऐसा करता भी है तो उससे बड़ा अपशगुन माना जाता है। बस यही वजह है कि यहाँ इस रस्म के चलते दूल्हा दुल्हन के 3 दिन तक टॉयलेट जाने पर मनाही होती है। टिडोंग समुदाय का ये भी कहना है कि टॉयलेट एक ऐसी जगह है जिसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग अपने शरीर की गंदगी निकालते हैं जिससे इस जगह से नकारात्मक शक्तियाँ फैलती हैं। ऐसे में यदि दूल्हा या दुल्हन उसी टॉयलेट को यूज करते हैं तो ये नकारात्मक शक्तियाँ उनके अंदर भी समाहित हो जाती हैं और उनके शादीशुदा जीवन में कई परेशानियाँ आने लगती हैं। टॉयलेट जाने से बचने के लिए शादी के 3 दिनों तक दूल्हा दुल्हन को बहुत कम खाना दिया जाता है ताकि वे टॉयलेट जाने से बच सके और कोई अपशगुन भी ना हो।